आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल कॉरपोरेशन बैंक PWD हेल्प डेस्क। वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन प्रेस करें और उसके साथ में बेल बटन प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दिस इज नरेश फ्रॉम जोनल ऑफिस नॉर्थ दिल्ली आजादपुर ब्रांच एंड आई होप यू पीपल विल बी फाइन देयर एंड आई एम ऑल्सो डूइंग वेल हेयर इन दिल्ली। आज हम फिर से आपके साथ हैं वापस एक दूसरे वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे पासबुक प्रिंटिंग की। और उम्मीद करता हूँ कि पहला वीडियो जो हमने बैलेंस इंक्वायरी फिनेकल में आपको बना के दिया था वो सक्सेसफुल रहा होगा और उससे आपको काफी सारी मदद भी मिल रही होगी। कुछ सजेशन हमको मिले थे जिसमें जॉब्स की स्पीड स्लो करने की बात कही गई थी। दैट सजेशन हैज बीन वेल टेकन एंड नाउ आई हैव स्लो डाउन द जॉब्स स्पीड इन दिस वीडियो। फिनेकल ट्रेनिंग विद जॉब्स फॉर विजुअली चैलेंज के इस दूसरे वीडियो में आज हम बात करेंगे पासबुक प्रिंटिंग की। पासबुक प्रिंट करना बिल्कुल एक्सेसिबल है जॉब्स के साथ फिनेकल में, लेकिन हम इस टास्क को दो पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम सिंपल पासबुक को प्रिंट करेंगे और उसको मॉडिफाई कैसे करते हैं वो हम आपको बताएंगे। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट how to reprint the passbook and how to fix errors which may occur while printing the passbook. शुरू करते हैं अपना पहला पार्ट, पासबुक को प्रिंट कैसे करना है। चलिए सबसे पहले हम लॉग इन करते हैं फिनेकल में। इंटरनेट एक्सप्लोरर ऐप, एंटर फॉर इंटरनेट होम, ऑल द मेन्यू बार, फिनेकल लॉग इन, एंटर लीविंग मेन्यू, प्रोडक्शन फिनेकल यूनिवर्सल बैंकिंग सॉल्यूशन। यहाँ पे फिर से वही फिनेकल का पेज आ गया जो मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, जहाँ पे हमको फिनेकल की आईडी और पासवर्ड नॉर्मली अपना डालना होता है। यूजर आईडी एंड एंटर फॉर्म्स मोड ऑन। यहाँ पे फिर से हमने अपना यूजर आईडी डाला है 221271 टैब पासवर्ड एंटर आप पासवर्ड टेक्स्ट स्टार 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 टैब एंटर लॉगिन द फॉर्म्स मोड ऑफ एंटर सिंगल साइन ऑन लॉगिन पेज स्क्रीन। यहाँ पे वही पूरा पेज खुल गया, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया तो ये नहीं बताऊंगा मैं आज। अब यहाँ से हम अपने सॉल्यूशन को चेंज करेंगे। सॉल्यूशन कॉम्बो बॉक्स सिलेक्ट एंटर फॉर्म्स मोड ऑफ सब एफ मैसेज फ्रॉम वेब स्पेस फॉर्म्स मोड ऑफ प्रोडक्शन फिनेकल यूनिवर्सल बैंकिंग सॉल्यूशन इंटरनेट एक्सप्लोरर सॉल्यूशन कॉम्बो बॉक्स फिंगर टैप फेच वेब पेज डायलॉग प्रोडक्शन फिनेकल यूनिवर्सल बैंकिंग सॉल्यूशन इंटरनेट एक्सप्लोरर। सॉल्यूशन में मैंने क्लिक करके वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, वहाँ पे मैंने एफ प्रेस किया जिससे फिन कोर जिसमें हम मोस्टली काम करते हैं एफ प्रेस किया तो वहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज आता है, वहाँ पे मैंने उसे ओके किया, फिन कोर का मेन्यू ऑप्शन खुल गया और उसके बाद अब आ गया है हमारा शॉर्टकट मेन्यू आ गई है जहाँ पे हम शॉर्ट कमांड्स डालते हैं जिस पे जाके हमें काम करना होता है। अब क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं पासबुक एंट्री की तो पहले हम शॉर्ट कमांड मेन्यू से पासबुक प्रिंट के मेन्यू में जाएंगे। इसका मेन्यू शॉर्टकट है HPBP। मेन्यू शॉर्टकट एडिट एंटर फॉर्म्स मोड ऑफ HPBP टैब गो बट फॉर्म्स मोड ऑफ एंटर वेलकम टू फिनेकल कोर प्रिंट। यहाँ पे अब हमारा पासबुक एंट्री का पेज ओपन हो गया है। विंडो इस टाइम स्क्रीन पे कैसी है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल होम से मैं टॉप ऑफ द स्क्रीन जा रहा हूँ। अब यहाँ से हम एक एक ऑप्शन इसके चेक कर पाएंगे। SSO desktop frame input user 221271 time zone ist link graphic change India standard time solution combo box finger link graphic logout on mapore server frame passbook print frame link menu on mouse over link show memo pad on mouse over link background menu on link CCY converter on 29 August 2018 user 2212 menu shortcut edit Go button, passbook print. ये वो नॉर्मल डिटेल्स हैं जो ऊपर वाले स्क्रीन पे मिलती हैं हमें। और अब यहाँ से पासबुक प्रिंटिंग का अपना एक पेज है जो हमारे काम का है। Table with 5 columns and 7 rows, a CID. यहाँ पे ये आईडी मांग रहा है, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि हमें अपना अकाउंट नंबर एंटर करना होगा जिसका भी प्रिंट हम चाहते हैं। Link graphic info search icon.
यहाँ से हम किसी भी अकाउंट की बेसिक डिटेल्स सर्च कर सकते हैं। Link graphic infing explode. ये जो आपको येलो मेन्यू दिख रहा है Link graphic infing search icon. ये सर्च है, सर्च के बाद एक ऑप्शन और है Link graphic infing explode. Infing explore, यहाँ से हमें भी किसी के अकाउंट की डिटेल्स मिल जाती है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रिंटर टाइप, और जो कुछ ऊपर एडिट बॉक्स है, क्योंकि अभी हमने कोई नंबर एंटर नहीं किया है वहाँ पे, तो वो अनअवेलेबल है अभी, तो वहाँ पे डिटेल्स आती है, वो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डिटेल्स आएंगे जब हम कोई अकाउंट नंबर डालेंगे वहाँ पे। अब उसके नीचे आ गया प्रिंटर डिटेल्स, यानी कि प्रिंटर कौन सा है आपका, उसके डिटेल्स। ये कोई खास हमारे काम की चीज है नहीं, फिर भी बता देता हूँ। प्रिंटर टाइप, रेडियो बटन नॉट चेक्ड अनअवेलेबल, 1 ऑफ 2, PR50 प्रिंटर टाइप, रेडियो बटन नॉट चेक्ड अनअवेलेबल, PR40, ये सब अलग अलग हैं। न्यू पासबुक, अब यहाँ पे कुछ और चीजें भी हैं, जैसे न्यू पासबुक, रेडियो बटन चेक्ड अनअवेलेबल, 1 ऑफ 3, नॉट चेक, नन बटन है, रेडियो बटन नॉट चेक्ड अनअवेलेबल, नो मतलब नहीं, पासबुक है नहीं है या नन, उन सब के लिए ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। Radio button not checked unavailable. Yes. Start line no. Edit. अब पासबुक का जो पहला पेज है, जो भी पेज आप प्रिंट कर रहे हैं, जब किसी भी अकाउंट की डिटेल्स हम यहाँ पे एंटर करते हैं, तो वो यहाँ पे हमें बताता है कि वो किस लाइन तक प्रिंट हो चुका है और किस लाइन से उसको प्रिंट होना है। मान लीजिए हो सकता है कि 2 लाइन अगर प्रिंट हो चुकी है पासबुक की पेज की, तो वो यहाँ पे पासबुक का लाइन नंबर 3 दिखाएगा, क्योंकि प्रिंटिंग जो अब प्रिंट होना है वो लाइन नंबर 3 से प्रिंट होगा। Start page no. Edit. पासबुक के भी 2 पेज प्रिंट हो चुके हैं और तीसरा पेज प्रिंट होना है, तो पेज नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। टेम्पलेट फाइल नेम, ये कोई खास जरूरत नहीं है, ये कुछ नंबर्स होते हैं अपने जो ये सिस्टम हमें जनरेट करके देता है। Edit unavailable. अभी कोई नंबर नहीं है यहाँ पे। Last printed date. Edit unavailable. यहाँ पे भी कोई अभी डेट नहीं है, जब मैं कोई नंबर डालूंगा तब यहाँ पे एक डेट आ जाएगी, लास्ट प्रिंट कब हुआ था इस पासबुक का। पासबुक SRL मतलब पासबुक का सीरियल नंबर क्या है, एक अकाउंट की कई पासबुक हो सकती है, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग जितनी पासबुक प्रिंट हो चुकी होंगी उस हिसाब से वो उसका एक सीरियल नंबर यहाँ पे आपको दे देगा। जिस अकाउंट की आपने प्रिंटिंग की है उसका अकाउंट बैलेंस क्या है प्रेजेंट, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। Table end, print button. अब ये आ गया, यहाँ पे एक प्रिंट बटन है जिसको हम प्रिंट को क्लिक करते हैं तो एंट्री प्रिंट होती है। मॉडिफाई बटन, मॉडिफाई अगर कुछ चेंजेस आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको मॉडिफाई करना पड़ता है यहाँ से। क्लियर बटन, और अगर आपने कोई रॉन्ग अकाउंट नंबर डाल दिया है या कुछ डिटेल रॉन्ग हो गई है, तो यहाँ से जो क्लियर बटन है इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो सारा डाटा क्लियर हो जाएगा, फिर दोबारा से आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। पासबुक प्रिंट फ्रेम एंड, यहाँ पे आ गया पासबुक प्रिंट फ्रेम एंड। इस तरह से आपने देखा कि हमारा पूरा जो पासबुक प्रिंटिंग का पेज था वो इस तरह से था, जहाँ पे कई सारी डिटेल्स हैं, प्रिंटर डिटेल्स हैं और पासबुक की डिटेल्स हैं और पेज नंबर, लाइन नंबर, पासबुक का सीरियल नंबर, अकाउंट बैलेंस, लास्ट प्रिंटेड डेट, कुछ चीजें ऐसी हैं जो भी हमारी जरूरत की हैं। हालांकि इन सबका बहुत ज्यादा जरूरत होता नहीं है, क्योंकि जो भी आप एंट्री करते हैं डिटेल्स सारी वहाँ पे आ जाती हैं, और ये बहुत ऐसी चीजें हैं जो बहुत कम यूज में आती हैं। तो चलिए एक पासबुक प्रिंट करते हैं हम यहाँ पे, मैं अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे डालूंगा और उसी की डिटेल्स आज मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। अकाउंट नंबर मांग रहा है, ये देखिए ACID, यहाँ पे एडिट बॉक्स, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं अपना अकाउंट नंबर एंटर करूंगा। 5201101028719911। जब आप अकाउंट नंबर डाल देंगे यहाँ पे, इसकी इन्फो फेच करने के लिए इसको एक बार टैप प्रेस करना है। टैप, फेच वेब पेज डायलॉग, फेच फ्रेम, फॉर्म्स मोबाइल प्रोडक्शन, फिनिकल यूनिवर्सल बैंकिंग सॉल्यूशन, इंटरनेट एक्सप्लोरर। जब हमने अकाउंट नंबर डाल दिया और उसकी इन्फो फेच की है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह की डिटेल्स आ जाती है। अकाउंट आईडी 5201112827199911। यहाँ पे अगर कोई डिटेल जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, डिटेल्स आ जाएंगी। Link graphic infing explode. ये भी वही है इन्फो लेने के लिए। Edit unavailable INR. INR. Edit unavailable 1761. ये ब्रांच कोड आ गया मेरा 1761. Edit unavailable Nareesh Kumar Kashyap. यहाँ पे मेरा पूरा नाम आ गया नरेश कुमार कश्यप। ये जो मैं आपको बता रहा था कि वहाँ पे जब हम पहले पेज देख रहे थे जहाँ पे 3 एडिट बॉक्स आ रहे थे लेकिन वो अनअवेलेबल थे, वो रीज़न यही था क्योंकि उसमें कोई डिटेल नहीं थी। जैसे ही मैं एक अकाउंट नंबर यहाँ पे डाला है तो ये 3 डिटेल्स आ गई है, INR आ गया, ब्रांच कोड आ गया, उसके बाद मेरा नाम आ गया। प्रिंटर टाइप,
प्रिंटर टाइप ये वही आपको डिटेल्स हैं। रेडियो बटन चेक ऑन द PR50, रेडियो बटन नॉट चेक PR40, न्यू पासबुक, रेडियो बटन नॉट चेक ऑन द VNUD, रेडियो बटन चेक ऑन अवेलेबल टू नो, रेडियो बटन नॉट चेक ऑन अवेलेबल यस। ये सब नॉट चेक है क्योंकि इनका कोई यूज नहीं हो रहा है अभी, नॉर्मल पासबुक प्रिंट हो रही है। स्टार्ट लाइन नो, एडिट 1। देखिए लाइन नंबर 1 प्रिंट होगी क्योंकि अभी इस पेज पे हमारी कोई प्रिंटिंग नहीं हुई है। स्टार्ट पेज नो, एडिट 2। अब क्योंकि मैंने एक बार बहुत पहले अपनी पासबुक का खाली फ्रंट पेज जो होता है वही प्रिंट किया था, इसलिए ये पेज 2 आ रहा है, यानी कि यहाँ से सीधी मेरे अकाउंट की एंट्री आएगी अगर मैं प्रिंट करूँगा यहाँ से तो। टेम्पलेट फाइल नेम, एडिट अनअवेलेबल पीपीपी पैक एमआरटी। ये देखिए इन्होंने मैं टेम्पलेट आईडी बता दी है। लास्ट प्रिंटेड डेट, एडिट अनअवेलेबल 09062017। एक लास्ट प्रिंटेड दिखा रहा है 9 जून 2017 की, ये वो डेट है जब मेरी ब्रांच में फिनेकल अपडेट हुआ था। पासबुक एसआरएल नो, एडिट अनअवेलेबल 1। क्योंकि मैं इम्प्लॉयज को इतनी जरूरत नहीं पड़ती अपनी पासबुक प्रिंट करने की, तो मैंने एक पेज प्रिंट किया था कभी किसी को दिखाने के लिए किसी काम से, इसलिए खाली वो एक पासबुक का सीरियल नंबर 1 ही दिखा रहा है और कोई पेज आपको नहीं दिखा रहा है। Edit unavailable 0.00. ये अकाउंट बैलेंस 0.00 दिखा रहा है, यानी कि 0 दिखा रहा है। नॉर्मली यहाँ पे बैलेंस शो होता है। Table end, print button. अब यहाँ से हम इस अकाउंट को प्रिंट कर सकते हैं। Print button. चले मैं इसको प्रिंट करता हूँ। प्रिंट पे क्लिक किया। Enter. Production Finacle Universal Banking Solution Internet Explorer 5201110287199110909061. Folder View List View Epson PLQ20 Escape P. अब यहाँ पे प्रिंटर पे आ गया है, मुझे प्रिंटर का नाम शो हो रहा है। यहाँ पे सीधा एक फोल्डर व्यू में आपके जैसा प्रिंटर आपके इंस्टॉल होगा वो आपको देखना होगा, तो आप सीधा इस प्रिंटर पे सीधा एंटर करेंगे तो भी आप प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। ये आप टैप टैप करके जाना चाहते हैं तो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ कैसे कैसे ऑप्शन आते हैं। पहले टैप करेंगे, टैप सेलेक्ट प्रिंटर प्रेफरेंसेस बटन टू एक्टिवेट, सेलेक्ट प्रिंटर अल्ट प्लस आर, टैप सेलेक्ट प्रिंटर फाइंड प्रिंटर बटन टू एक्टिवेट, सेलेक्ट प्रिंटर फाइंड प्रिंटर सर्च कर सकते हैं ऐसे। टैप पेज रेंज ऑल रेडियो बटन चेक 1-4 टू चेंज द सिलेक्शन प्रेस अप और डाउन एरो अल्ट प्लस एल। ठीक है, ये पेज रेंज आ गया यहाँ पे जहाँ पे ऑल पेज सिलेक्टेड है पहले से ही। टैप पेज रेंज एडिट 1 टाइप एंड टेक्स्ट, पेज रेंज में हमने 1 टाइप किया हुआ, ऑटोमेटिक 1 आता है यहाँ पे। टैप नंबर ऑफ कॉपीज एडिट स्पिन बॉक्स 1 टू सेट द वैल्यू, कितनी कॉपी आपको चाहिए उसके लिए, कॉपी हमेशा एक ही कॉपी होती है जो आप लेते हैं एक टाइम पे, नहीं तो अगर यहाँ पे जितनी कॉपी के आप नंबर डालेंगे 2-3 उतने ही एक सिंगल पेज के ये प्रिंट शो करेगा देगा आपको। अब आ गया प्रिंट बटन, चलिए मैं एक कॉपी लगाता हूँ और इसको प्रिंट करते हैं। अब मैंने प्रिंटर पे एक कॉपी लगाई है और जैसे ही मैं यहाँ पे प्रिंट बटन पे क्लिक करूंगा तो प्रिंटर जो है प्रिंट करना शुरू कर देगा। अब ये एक पेज इसमें प्रिंट हो चुका है और मैं आपको दिखा देता हूँ कि पेज जब प्रिंट हुआ है पेज में किस तरह की डिटेल्स आई हैं वो आराम से आप पढ़ भी सकते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट, अब जब आप पेज पे टॉप ऑफ द स्क्रीन जाएंगे तो आपको वो डिटेल्स दिखाएगा क्या क्या प्रिंट हो रहा है। प्रिंट स्टेटमेंट period blank 5201110287199111 ये अकाउंट नंबर blank, और उसके बाद यहाँ पे डेट वाइज मेरी एंट्रीज आना शुरू हो जाएंगी। blank 090617 balance transfer 49542.9849542.98 CR1 150617 MXOWP2 150610922 from 953928 2 150617CN20 quadrillion 170 trillion 600 15 billion 76 million 310 3 375 1 76.00 39 8 4 6 9 8 CR3। इस तरह से ये बहुत सारी एंट्रीज इस पेज पे लगभग 30 के आसपास लाइनें होते हैं जिसमें उतनी ही एंट्री ऑलमोस्ट इसमें शो हो जाती हैं एक पेज पे। जब भी आप इस पेज को क्लोज करेंगे इस पासबुक में और एंट्रीज होंगी तो वहाँ पे एक और ओके बटन आएगा जिसको आपको क्लिक करना होगा। मैं भी इस पेज को बंद करता हूँ, अगर ये बंद करने पे इसके बाद कोई एंट्री नहीं होगी तो नॉर्मली
उसी स्क्रीन पे आ जाएगा जहाँ पे हम पहले स्क्रीन पे थे, जहाँ पे हमने पासबुक का विंडो खोली हुई थी लेकिन वहाँ पे हमने कोई अकाउंट नंबर नहीं डाला था, तो वहीं पे वो पहुँच जाएगा। लेकिन अगर कोई और इसमें डिटेल्स होंगी और प्रिंटिंग अगर बची होगी तो वो फिर पेज टर्न करने को बोलेगा। इस पासबुक में अभी काफी सारी एंट्री बची हुई है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको ऑल्ट F4 किया। अब यहाँ पे पेज अगर करेक्टली प्रिंट हो गया है आप उसको यस कर सकते हैं। अगर ये पेज ठीक से प्रिंट नहीं हुआ है या कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप इसको नो करेंगे और फिर से वही करेंगे जैसा मैंने आपको पहले बताया था। आप यहाँ से नो करेंगे, ये वापस उसी विंडो में आ जाएगा जहाँ पे अकाउंट नंबर डाल के आपने इन्फो को फैच किया था। तो वहां से आप दोबारा प्रिंट करेंगे, फिर से प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे और फिर प्रिंट पे क्लिक करेंगे, फिर दोबारा से यही पेज प्रिंट होगा। लेकिन क्योंकि ये मेरा पेज एकदम परफेक्टली प्रिंट हुआ है तो अब मैं इसको यस कर दूंगा। यस बटन स्पेस रिफ्लेक्शन फिनिकल यूनिवर्सल बैंकिंग सॉल्यूशन इंटरनेट एक्सप्लोरर एसई आईडी 5201110287199911 मैसेज फ्रॉम वेब पेज डायलॉग देयर आर मोर ट्रांजैक्शंस टू प्रिंट टर्न द पासबुक पेज ओके बटन टू एक्टिवेट प्रेस स्पेस बार। तो ये वो डायलॉग बॉक्स था जो मैंने आपको बताया था, इसमें मैसेज आ गया आपके पास कि अभी और भी ट्रांजैक्शन है पासबुक के लिए तो पेज को टर्न करें। वहाँ पे मेरे पास आ गया ओके बटन, मैंने ओके को क्लिक किया। ओके बटन स्पेस पासबुक प्रिंट अपडेटेड प्रोडक्शन फिनिकल यूनिवर्सल बैंकिंग सॉल्यूशन इंटरनेट एक्सप्लोरर फोल्डर व्यू लिस्ट व्यू। फिर से हम इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे। टैप 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 पेज रेंज ऑल टैप पेज रेंज पेज टैप नंबर ऑफ टैप प्रिंट बटन टू एक्टिवेट प्रेस स्पेस बार ऑल्ट प्लस की। यहाँ पे मैं फिर से प्रिंट पे क्लिक करूंगा और ये फिर से एक पेज और मेरा प्रिंट कर देगा। मैं और पेज प्रिंट नहीं करूंगा क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा होपफुली कैसे पासबुक को प्रिंट करना है, इसलिए मैं इस पेज को फिलहाल जो मैंने प्रिंट के लिए सेलेक्ट किया हुआ है उसको कैंसिल कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे कैंसिल किया था, इस पेज को मैं यहाँ से ऑल्ट F4 कर रहा हूँ। अब क्योंकि मैंने इस पेज को कैंसिल कर दिया है तो इसे मैं नो कर दूंगा ताकि आने वाले टाइम में कभी भी मैं इसको दोबारा से रिप्रिंट कर सकूं। टैप नो बटन स्पेस पासबुक प्रिंट अपडेटेड। अब ये पेज वहीं पे उसी कंडीशन में आ गया जहाँ पे हमने इसमें अकाउंट नंबर डाला हुआ है और उसकी मेरी डिटेल्स वो शो कर रहा है। अब क्योंकि पासबुक के दो पेज हम प्रिंट कर चुके हैं, अब मुझे फिर से अपना फ्रंट पेज चाहिए यानी कि पहला पेज चाहिए पासबुक पर जिसपे मेरा अकाउंट की डिटेल्स होंगी, मेरे ब्रांच का एड्रेस होगा, ब्रांच की टाइमिंग क्या होती है वो होंगी, टेलीफोन नंबर्स होंगे, मेरा नॉमिनी का नाम होगा, मेरा अकाउंट नंबर होगा, नाम होगा, एड्रेस होगा, ये सारी डिटेल्स होती हैं। यहाँ से हम शॉर्ट कमांड के थ्रू या फिर डाउन एरो से भी वहाँ पे जा सकते हैं जहाँ से हम मॉडिफाई कर रहे हैं पेज को। तो अभी मैं शॉर्ट कमांड यूज कर रहा हूँ, जॉस के साथ बी प्रेस करते हैं, बी प्रेस करने पे आपको वो बटन शोज करता है। गो बटन, प्रिंट बटन, मॉडिफाई बटन, मॉडिफाई बटन पे क्लिक किया। एंटर। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं मुझे, वो मैं बता देता हूँ क्या करने हैं आपके लिए। मैं यहाँ पे डाउन एरो से जाऊंगा और आपको बताऊंगा क्या करना है। Start page no, edit 3, template file name, edit theme last printed date, edit unavailable 18072017. Passbook SRL no, edit unavailable 1, a C, valid, edit unavailable 24, edit unavailable C, table end. ये सारी details आपको मैंने फिर से एक बार सुनवा दी है। ये वहाँ पे आपने भी कुछ चीजें नोट की होंगी कि जब हमने इनको मॉडिफाई नहीं किया था, नॉर्मल पेज प्रिंट कर रहे थे उस टाइम पे वो कई सारे जो चेक बॉक्स थे उनको वो अनअवेलेबल बता रहा था। क्योंकि हमने मॉडिफाई करने की कोशिश की है, मॉडिफाई बटन को क्लिक किया है तो वो सारे अनअवेलेबल बटन जो थे वो अब ठीक हो गए हैं, अब आप उनको यूज कर सकते हो। तो जो मुझे यहाँ पे सबसे पहले यूज करना है वो है एक बटन जो इस वाला है। फ्रंट पेज प्रिंट करने का मतलब है कि सिस्टम को ये बात समझ में आती है कि आप एक नई पासबुक प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब नई पासबुक प्रिंट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें उसे जो सबसे ऊपर एक डायलॉग बॉक्स था न्यू पासबुक के लिए, उसके नीचे तीन बटन आ रहे थे नन नो यस, तो उसके लिए मुझे उसको यस करना पड़ेगा तभी वो उसका पहला पेज प्रिंट करने देगा मेरे को। रेडियो बटन चेक टू नो। अब क्योंकि उसे यही पता है ये पुरानी पासबुक चल रही है, उसने ये नो पे चेक किया हुआ, लेकिन जब हम नई पासबुक प्रिंट करेंगे तो हमें यस पे
क्लिक करना होगा, उस बटन को चेक करना होगा. रेडियो बटन नॉट चेक 303 यस. रेडियो बटन नॉट चेक स्पेस. जैसे मैंने यस बटन को चेक किया तो वो यहाँ पे चेक हो गया, लेकिन जब तक आप मॉडिफाई नहीं करेंगे तब तक इन बटन को आप क्लिक करेंगे तो इन पे कोई असर नहीं होगा. यस. रेडियो बटन चेक नो. रेडियो बटन नॉट चेक. पहले आपने देखा कि वो नो पे चेक था, अब नो पे वो नॉट चेक हो गया है और यस पे चेक हो गया है. रेडियो बटन नॉट चेक टू नो. रेडियो बटन चेक 3 यस. अब इसके बाद जो पेज नंबर 3 आ रहा था अभी, उसको हम पेज नंबर 1 कर देंगे. स्टार्ट पेज नो. एडिट 3. एंटर फॉर्म्स नो. पेज 3 को डिलीट किया मैंने. 3 स्पेस स्पेस स्पेस. यहां पे पेज नंबर में मैंने खाली 1 डाला. 1. अब मैं इसको यहां से प्रिंट कर देता हूं सीधा. प्रिंट बटन. एंटर. Folder view list view absent PLQ 20 escape P2 1-1. मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ. अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसको प्रिंट कर दिया तो ये मेरे फ्रंट पेज के डिटेल्स शो कर रहा है यहाँ पे सारी. Print statement period 1761 W Zanpur Dorno 8 Laka Panchavati Barola Wallapa Delhi Delhi 110033 India Tel 276714720112767142 IFSC code corp 0001761 MIGR code 110017135 10 o'clock to 1400 hours and 1430 to 1530 Blank second and fourth Saturday and all Sundays. तो ये है पासबुक का फ्रंट पेज. इसमें काफी सारे डिटेल्स और भी हैं जो आप फ्रंट पेज को प्रिंट करते टाइम चेक कर सकते हैं. उम्मीद है आज का ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा और इससे काफी मदद आपको मिलेगी कि पासबुक को प्रिंट कैसे करना है. अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. कांटेक्ट करने के लिए कांटेक्ट नंबर है 9015173846. स्काइप आईडी NARESHTHEBEST. सारे अल्फाबेट स्मॉल में है विदाउट स्पेस. यू कैन मेल मी एट dev.naresh@gmail.com dev.naresh@gmail.com. Now we will talk about how to reprint passbook and how to check out the errors which may occur while printing the passbook, but this will be in next part of this passbook printing in finacle training with JAWS for visually challenged. So take care and see our next video, part 2 of passbook printing.